पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। देवगढ़ वासियों, मारी बात सुनो। आज तुम लोगों ने विध्वंस को न्योता दिया है। और पाप। अरे, रानी हुकुम में तो देवी माँ पधारी हैं। जय हो, जय देवी माँ। साक्षात कुल देवी माँ रानी हुकुम के माध्यम से हमसे बात कर रही हैं। कुल देवी माँ, आप क्रोधित क्यों हो? हम देवगढ़ की राजमाता है, हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए। आप पहले शांति ना, शांति फैलेगी, नाश होगा, सर्वनाश होगा। जब जब पाप मानव के सर पर चढ़ता है, मैं धाराशाही करने आती हूं। अपनी आंखों के सामने पाप ना होने दूंगी। घोर पाप। कैसा धर्म मां? कौन सा पाप? बाल विवाह। बाल रूप में नारी देवी का स्वरूप होती है, उन्हें पूजने की बजाय बोझ मानते हो। अधर्म है, पाप है, पाप कर रहे हो तुम लोग। जिन बच्चियों को विवाह का अर्थ भी ना पता, उन्हें पुरुषों से बांध रहे हो। घोर पाप, घोर अन्याय। इस सब का अंजाम पूरा देवगढ़ भुगतेगा। बंद करो ये पाप, बंद करो ये अन्याय। नाश होगा, नाश होगा। देवगढ़ इसका नतीजा भुगतेगा। परंतु कुल देवी माँ, ये बाल विवाह की प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। प्रथा नहीं, कुप्रथा। सदियों से चलती आ रही प्रथा को बिना किसी तर्क वितर्क के सही मान लेना मूर्खता है। इसे अभी शीशन ना रोका तो प्रलय आएगी, विध्वंस होगा। नाश होगा। रानी हुकुम ने बनाई है। रानी हुकुम कर लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाएगी और अपनी बात मनवाएगी। कुल देवी माँ में सबका विश्वास है। ये रानी सा कहीं लोगों की आस्था को हथियार बनाकर हमसे युद्ध तो नहीं लड़ रही? कुल देवी माँ, आज वर्षों से बाल विवाह की यह प्रथा चलती आई है। कुछ अशुभ नहीं हुआ। आज यदि यह प्रथा संपन्न हो गई तो क्या होगा, कृपया करके हमें बताएं। ये प्रथा हुई, भंडर आएगा। ये प्रथा हुई तो तूफान का तांडव होगा। ये प्रथा हुई वाकरो पूरे देवगढ़ भरे। प्रलय आए आए, सर्वनाश हो। बंद करो ये। हे देवी माँ, आज तक वर्षों से बाल विवाह की ये प्रथा चलती आई है, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखते हैं आज भी कौन सा प्रलय आ जाता है। पंडित जी, आप विवाह की विधि जारी रखिए। ध्रुव, डोली और बाकी जोड़ियों के फेरे पड़वाकर
विवाह संपन्न कीजिए। इस प्रकोप से कोई ना बचे। प्रकोप से कोई ना बचेगा। प्रतापण, अगर ये सच में कुल देवी माँ हुई तो हमें पछताना पड़ सकता है। उन्होंने आपत्ति प्रकट की है। हम ये विवाह को नहीं कर सकते। अभी के लिए विवाह बाल विवाह स्थगित कर देते हैं। छलावा है ये सब भाबू साहब। कोई कुल देवी माँ नहीं है रानी सा के अंदर। रूफ, ढोली और बाकी सभी जोड़ियों का विवाह रोकने के लिए ढोंग कर रही है रानी हुकुम। मूर्ख नादान, ढोंग लग रहा है तुझे। संदेह हो रहा है माँ कुलदेवी किसी के शरीर में ना आ सकती तो पूछ, पूछ गांव के बड़े बुजुर्गों से। पहले ऐसा कभी ना हुआ, पूछ। हाँ, हमने भी देखा था कुलदेवी जी को अपनी बहन के शरीर में प्रवेश करते हुए। अवश्य किया होगा। आपकी बहन के शरीर में प्रवेश कुलदेवी जी ने, परंतु आज कुलदेवी जी ने हमारी रानी हुकुम के शरीर में प्रवेश नहीं किया है। कुलदेवी जी नहीं बोल रही इनके अंदर से, इनका अभिनय बोल रहा है, ताकि हम सामूहिक बाल विवाह की यह प्रथा रद्द कर दें। परंतु भाई साहब, रानी हुकुम भला ऐसा क्यों करेंगी? उन्होंने स्वयं इस सामूहिक बाल विवाह का आयोजन किया है। एक एक व्यक्ति को महल में उपस्थित करवाया है उन्होंने। स्वांग रचा है इन्होंने मीनाक्षी। लोगों के अंधविश्वास को हथियार बना के बस अपनी बात मनवाना चाहती है। ये क्या कह रहे हैं हुकुम? हम मानते हैं कि सच में कुलदेवी माता है ये। इनकी बातें अनसुनी करके इनका अपमान नहीं कर सकते। कुलदेवी मां की जय। 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 प्रतापणा, दोधारी तलवार है ये। प्रजा की आस्था पर प्रश्न करेंगे तो विरोध होगा। आप चुप रहिए, हम संभाल लेंगे। हम बोलते हैं। हमें हमारे प्रजा पर पूरा विश्वास है। हम जानते हैं ये सच में कुल देवी जी है। ये अंधविश्वास कोणी, हमें भरोसा है, भक्ति है हमें। कुल देवी की जय हो। कुल देवी की जय हो। हाँ हाँ, भक्ति है, भरोसा है। हाँ हाँ, भक्ति है, भरोसा है। भक्ति है। देवी माँ का अपमान, प्रजा का अपमान, प्रजा की आस्था को विश्वास कह रहा है मूर्ख। सजा मिलेगी, अवश्य मिलेगी। कुलदेवी माँ कहीं कह दिया आपने, सजा देंगी। प्रतापणा, क्षमा मांग लीजिए आप कुलदेवी माँ से इसी क्षण, वरना वरना आपका वध कर देगी। ये पाखंड है, हम क्षमा नहीं मांगेंगे। प्रतापणा, इनके हाथ में त्रिशूल है, ये वध कर देगी, किसी भी क्षण वध कर देगी आपका। क्षमा मांगी आप कुलदेवी माँ। मूर्ख, सजा तो मिलेगी, वध भी होगा इस दुष्ट का। सबके सामने वध होगा इसका। हम क्षमा नहीं मांगेंगे, और हमारे लिए आप में से किसी को क्षमा याचना करने की आवश्यकता नहीं।
हम इतना जानते हैं कि आज ये सामूहिक बाल विवाह हो के रहेगा। यदि कुलदेवी माँ को आपत्ति है तो व्यक्त करें, हम सामने खड़े हैं। उठाइए त्रिशूल, कर दीजिए हमारा वध। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।